हेलो दोस्तों, आज हम बात कराने उत्तराखंड लोकसेवा की भर्ती के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर कई लोग पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में कौन कौन से अध्यक्ष यहाँ पर भेजे गए हैं वापस, ठीक है, और कौन सी भर्ती ऐसी जो आपके नई आने वाली हैं यूके पीएससी में, क्योंकि इससे पहले जो है आपके यूके ट्रिपल का जो है कैलेंडर जारी किया गया है आयोग ने साल भर का, और यूके पीएससी ने अपना खुद का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, ठीक है। और फिर से आपके जो है एक और नया कैलेंडर जारी होगा यूके पीएससी का, क्योंकि नया कैलेंडर अभी तक जो है जारी नहीं किया गया है। और कौन कौन से पद आपके नए हैं और नए ऐड होने वाले हैं, और कुछ पोस्टों को जो है वापस भेजा गया है, क्यों भेजा गया है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी पूरी डिटेल में। प्रवक्ता है और यहाँ पर पॉलिटेक्निक प्रवक्ता प्रोफेसर, इन सारी की सारी भर्तियाँ आपकी नई आने वाली हैं। एआरओ है, आरओ है, अन्य पोस्ट हैं, लगभग जो है इसमें 200 के करीब पोस्ट मिल जाएंगे। प्रवक्ता में 400 प्लस पोस्ट मिलेंगे, 450 के करीब मिलेंगे। प्रवक्ता में भी आपका यहाँ पर जो है लगभग 450 से ज़्यादा ही होंगे। प्रोफेसर में 800 के करीब पोस्ट आपको मिल जाएंगे। सारे सारे जो है नई भर्ती आपकी आने वाली हैं, ठीक है। और इसमें हम डिटेल में हम जान लेते हैं क्या कहा गया है आयोग के द्वारा और क्यों इनको कुछ पोस्ट वापस क्यों भेजे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, महिला आरक्षण की वजह से लटकी ये भर्तियां। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयोग के जो अध्यक्ष हैं राकेश कुमार ने बताया है कि कोर्ट के महिला आरक्षण पर जो है आए निर्णय के बाद जो है सरकार के रुख के इंतजार में जो है कुछ भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर लटकी हुई हैं, और जिसमें आपके पीसीएस जेई परीक्षा जो अभी वर्तमान समय में है, और एई परीक्षा है, और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, और यहाँ पर वन क्षेत्र अधिकारी है, उसके साथ साथ आपके यहाँ पर सहायक भूवैज्ञानिक परीक्षा है, ये सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ आपके पीसीएस की परीक्षाएं हैं, सारी सारी जितनी भी पोस्ट पुरानी आ रखी है ना, उन सभी पर जो है आपका 30% जो आरक्षण दिया गया था लड़कियों को, उनका रोस्टर चेंज होना है। यानी कि अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि 30% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलेगा। सरकार ने किया गया था, लेकिन एक प्रॉपर जो अध्याचन होता है उस तरह से नहीं किया गया था। ये सरकार ने अपने फैसले के अनुसार जो है 30% आरक्षण दिया गया था, जो कि आयोग को यहाँ पर जो है लोक जो लोक सेवा आयोग है उसको भर्तियाँ कराने के आदेश जारी करे गए थे 30% आरक्षण के तहत। लेकिन कोर्ट में किसी ने केस करने की वजह से वो एक वैधानिक नहीं बताया गया था, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है हटा दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो अब इसमें 30% आरक्षण जो लागू हुआ था जिन पर, उनको हटाना है, इसी वजह से आपके पोस्ट भेजे गए हैं, ठीक है। और जो कहा गया कि शासन से आरक्षण प्रक्रिया जो है सुनिश्चित करने के बाद जो है आयोग जो है इन पर कार्रवाई करेगा। तो ये पोस्ट हैं पुरानी भर्तियों का जो आरक्षण है वो भेजे गए हैं, ठीक है। और इसमें बात करूँगा, शासन को जो है लौटाए 29 भर्तियों के अध्याचन, तो 29 टोटल भर्तियाँ हैं जिनके यहाँ पर अध्याचन वापस लौटाए गए हैं, जिनमें से कोई अध्याचन पहले से आपके आए हुए थे, जैसे आपके प्रवक्ता है, और यहाँ पर पॉलिटेक्निक प्रवक्ता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर है, और इनकी ये पुरानी भर्तियाँ हैं, नया भर्ती हैं, सारे के सारे जो है वापस करे हैं, क्योंकि आरक्षण उस पर 30% लागू किए गए हैं और इसी वजह से लौटा गए हैं। और ये संशोधन जो है जल्दी हो जाए हैं आपका, और लगभग जो है आपका उसके बाद से कहा गया है इसमें कि शासन से संशोधित अध्याचन मिलने के बाद जो है आयोग उनके लिए जो है अलग से यहाँ पर जो है परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए समांतर जो है परीक्षाएँ कराएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जल्द जो है आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, जो 30% आरक्षण आ रहा है, क्योंकि नया रोस्टर होगा तो उनको हटाना पड़ेगा जो पद उसमें आए हुए थे। तो इसी वजह से उसके बाद से नया कैलेंडर आपका जो है यूकेपीएससी खुद अपना कैलेंडर जारी करेगा। और इसमें जो है पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जल्द हो जाएगा, जबकि आपका यहाँ पर जो है काफ़ी समय पहले जब आपका कोर्ट केस का आदेश आए थे तब भेज दिए गए थे। लगभग जो है 15-20 दिन तो हो गए हैं उसके बाद से, तो जल्दी अभी सॉल्व हो जाएगा। और ये सिर्फ 30% आरक्षण की वजह से भेज रखा है, ना कि कोई अन्य रीजन है कि वापस भेज दिए। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भर्तियां वापस चली गई हैं तो अब होंगी नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ रोस्टर चेंज होना है उनका और इसी वजह से वो वापस गई हैं, अन्य कोई रीजन नहीं है। और उसके बाद से तुरंत ही आपका जो है कैलेंडर जारी हो जाएगा। और टॉप पर अगर कैलेंडर में अगर टॉप पर अगर बात करूँ कौन सी भर्ती होगी, तो यूकेपीएससी की प्रवक्ता भर्ती आपकी सबसे पहले होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर होनी है, उसके बाद यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले होनी है। तो ये सारी सारी जो नई नई भर्ती के बारे में बात करो, ये सारे के सारे होने, एआरओ आरओ होनी है, ये सारे के सारे जो लगातार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अन्य इसके अलावा जो है अन्य पोस्ट भी हैं, वो छोटे मोटे पोस्ट हैं, उसमें काफ़ी कम पोस्ट मिलेंगे उसमें, जिसमें आपको 10-12, 11-12 ऐसे पोस्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा आए नहीं हैं। बाकी जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर बात करूँ तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होंगी, लगभग 800 करीब आपके हो जाएंगे टोटल मिला के अब, ठीक है, क्योंकि पुराने वाला भी कैंसिल कर रखा है उन्होंने, तो इस वजह से ये चेंज हो जाएगा अब। तो ये सारे हैं, और इसकी जो परीक्षा कैलेंडर है विद इन 1 मंथ में जो है आने की पॉसिबिलिटीज़ है, सारा का सारा रोस्टर चेंज आपका हो जाएगा, और उसके बाद से आपकी जो भर्तियों का जो कैलेंडर है नया जारी हो जाएगा यूकेपीएससी के द्वारा।